रोज की तरह आज भी शाम होते ही सभी लोग अपने घरों में लौट रहे थे और राजेश भी जंगल के रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा था। अरे कितना अंधेरा हो गया, आज के बाद तो दूर की कोई भी सवारी नहीं लेकर जाऊंगा। इतने में राजेश के फोन पर एक कॉल आता है। हेलो, कैसा है मेरा बच्चा? अरे आ रहा हूँ मेरे बच्चे। पापा, होली के रंग लेकर आ रहे हो ना? और कब तक आओगे? मैंने खाना भी नहीं खाया अभी तक। अरे आ रहा हूँ मेरे बच्चे, मम्मी को बोल खाना लगा कर रखे और मैं आ गया बस। अचानक राजेश के फोन में से एक भयानक आवाज आती है। होली मुबारक हो राजेश। अरे मधु, किस आवाज में बात कर रही हो? मैं मधु नहीं हूँ राजेश। राजेश डर जाता है और फोन काट कर फिर से डायल करता है। गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात नहीं करनी चाहिए राजेश। ऐसा बोलते ही राजेश का ऑटो बीच जंगल में रुक जाता है। राजेश पूरी कोशिश करता है लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं होता। जैसे ही वो फोन करता है, फोन में से खून टपकने लग जाता है। राजेश डर जाता है। आज कहाँ फंस गया? ऐसा कहते ही राजेश सामने देखता है कि सामने एक औरत चाकू लिए खड़ी है। चलो राजेश, अब मनाए खून की होली। ऐसा बोलते ही वो औरत राजेश की तरफ आती है और चाकू से राजेश पर कई बार करती है। राजेश दर्द में काफी चिल्लाता है लेकिन चुड़ैल की हंसी राजेश की दर्दनाक चीखों को दबा देती है। उधर दूसरी तरफ राजेश की बेटी और पत्नी मधु राजेश का इंतजार करते करते भूखे पेट ही सो जाते हैं कि अचानक राजेश के फोन से मधु के फोन पर कॉल आता है। कहाँ हो आप? कितनी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं? अरे घर के बाहर हूँ, तुम दरवाजा ही नहीं खोल रही हो। जैसे ही मधु दरवाजा खोलती है, राजेश वहीं पर खड़ा होता है। मधु उसको अंदर आने को कहती है और राजेश अंदर आ जाता है। मैं अभी खाना लगा देती हूँ, देखो तो कितने थके हुए लग रहे हो। राजेश जैसे ही मधु की ओर गर्दन घुमाता है, उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। ये सब देखकर मधु जोर से चिल्लाती है। राजेश ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या कर दिया? उसी समय वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और कहती है, ये भगवान ने नहीं चुड़ैल ने किया है। अब तेरी और तेरे बच्चों की बारी, राजेश इंतजार कर रहा है वहाँ ऊपर। मधु कुछ नहीं बोल पाती और चुड़ैल उस पूरे परिवार को मार देती है। मजा आ गया, आज लग रहा है होली है, कब से मैं ऐसी होली मनाना चाहती थी। राजेश, अरे ओ राजेश, कहाँ मर गया? चुड़ैल मधु की आवाज में बोलती है। यहीं पर तो है, मधु ही तो हूँ अब्बा। तुम मधु तो नहीं लगते। मधु ही तो हूँ, अब आँखों के साथ साथ कान भी गए आपके। हाँ ठीक कहती हो। आ जाओ अंदर, आपको कुछ खाने को देती हो। क्या बात है बेटी, आज बड़ी इज्जत दे रही हो। हाँ आज बस इनकी लॉटरी लगी है। मुबारक हो फिर तो बेटी, कुछ खाना ही खिला दो फिर आज तो। हाँ हाँ आओ ना। बूढ़ा जैसे ही अंदर जाता है, घर का दरवाजा बंद हो जाता है और चुड़ैल उसका भी सर अलग कर देती है। वाह, मजा आ गया फिर से, अगली होली पर नया शिकार ढूंढूंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो अगली बारी तुम्हारी होगी। और हाँ, अपना कमेंट जरूर करना, कैसी लगी ये कहानी? चांदपुर गांव में एक परिवार रहता था। परिवार बहुत संपन्न नहीं था। परिवार में पति, पत्नी और उनका एक बेटा सोहन था। सोहन पढ़ाई में बहुत तेज था और ये देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो गए थे और उसे हर चीज देने की कोशिश करते थे जिससे उसकी पढ़ाई अच्छे से हो। एक दिन, अजी सुनो, गर्मी आ गई है और सोहन को पढ़ाई में बहुत परेशानी होती है। फिर क्या करें, कूलर तो मैं नहीं ला पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। फिर क्या करें, क्योंकि इतनी गर्मी में पढ़ाई करना उसके लिए मुश्किल होगा। पापा सोच में पड़ जाते हैं, अब क्या करें। आप एक काम करिए, अभी पंखा ले आइए जिससे उसको आराम हो।
हाँ ये ठीक है, इससे उसे पढ़ाई करने में तकलीफ भी नहीं होगी। अब थोड़ी देर में सोहन स्कूल से आता है। जैसे ही उसे ठंडी हवा लगती है और वो छत पर देखता है, खुश हो जाता है। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा। ये पंखा? अरे बेटा गर्मी बहुत होने लगी है ना, इसीलिए तुम्हारे पापा लेकर आए हैं ये पंखा। सोहन समझ जाता है कि ये पंखा उसके लिए लेकर आए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और सोचता है, अब मुझे और मन लगा कर पढ़ाई करना है जिससे अपने माता पिता को बहुत अच्छे से रखूं। मम्मी भूख लगी है। हाँ बेटा खाना तैयार है, आ जाओ। सोहन मम्मी और पापा साथ में बैठकर खाना खाते हैं और सोहन पढ़ने चला जाता है, और उसको देखकर मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। ये पंखा तो बहुत महंगा होगा। हाँ था तो महंगा, लेकिन हमें ये सस्ते में मिल गया। वो कैसे? ये एक कबाड़ी वाला बेच रहा था तो मैंने देखा और खरीद लाया। अच्छा ये तो बहुत अच्छा हुआ, और ये हवा भी बहुत अच्छी दे रहा है। हाँ। अब शाम हो जाती है, सोहन थोड़ी देर खेलने भी जाता है तो शाम को वो खेल कर घर आता है। तभी, अरे सोहन ये चोट कैसे लगी? अरे मम्मी थोड़ी सी चोट है, खेलते खेलते गिर गया था तो ये लग गई चोट छोटी सी। रुको मैं अभी पंखा चलाती हूँ और दवा लगाती हूँ चोट पर। जैसे ही पंखा चालू करके मम्मी दवा लेने जाती है, सोहन कहता है, मम्मी मेरी चोट कहाँ गई, ये तो गायब हो गई। सोहन और मम्मी चौंक जाते हैं कि अचानक ये जादू कैसे हुआ। जब पापा घर आते हैं तो सोहन और मम्मी उन्हें बताते हैं और वो भी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ ही नहीं आता। सब सो जाते हैं। अचानक रात को एक आवाज आती है, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना। ये आवाज सुनकर सबकी नींद खुल जाती है। आवाज बहुत डरावनी होती है। मम्मी ये किसकी आवाज थी? बेटा शायद बाहर से ये आवाज आई, तुम सो जाओ, मैं और पापा हैं ना तुम्हारे पास। सोहन सो जाता है, लेकिन मम्मी पापा पूरी रात जागते रहते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। अगले दिन, आप आज गए नहीं काम पर? हाँ आज थकान हो रही है और मुझे नींद भी आ रही है, कल रात तो नींद पूरी नहीं हुई। जैसे ही पापा सोते हैं, उनके कानों में फिर से वही आवाज आने लगती है, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना। पापा चौंक कर उठते हैं। सुनो उनको कोई आवाज आई क्या? नहीं, लेकिन जैसे ही मम्मी की नजर पंखे पर पड़ती है तो मम्मी बहुत तेज चीखती है, वो देखिए। पापा जैसे ही ऊपर देखते हैं डर जाते हैं। पंखे पर एक बड़े दांत और सफेद बाल वाली औरत बैठी होती है। कौन हो तुम? हवा आ रही है ना। हवा आ रही है ना। और चुड़ैल गायब हो जाती है। मम्मी और पापा डर जाते हैं और मंदिर जाते हैं, और सोहन को भी स्कूल से ले जाते हैं। मंदिर जाकर पंडित जी को सारी बात बताते हैं। चलिए मैं एक बार आपके घर देख कर आता हूँ। पंडित जी सोहन के घर आते हैं, सब देखते हैं और, क्या हुआ पंडित जी? ये अब यहाँ से नहीं जाएगी, यही रहेगी। लेकिन ऐसा क्यों? कई साल पहले यह इसका घर हुआ करता था, और इसके पति ने पंखे की हवा ना आने पर गुस्से में अपनी पत्नी को इसी पंखे से लटका दिया था। अब वह चुड़ैल बन गई है, लेकिन तुम्हें यह नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसको मुक्ति नहीं मिल सकती? 100 साल बाद ही इसे मुक्ति मिलेगी, अब चिंता ना करें, यह आपको नुकसान नहीं देगी। पंडित जी चले जाते हैं और सोहन मम्मी और पापा घर के अंदर, तुम लोग घबराओ और डरो मत, मैं तुमको बहुत हवा दूंगी, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। थोड़े दिनों में सबकी उस चुड़ैल के साथ रहने की आदत हो जाती है। शिक्षा, कभी कभी सस्ती चीजों या फ्री की चीजों के कारण बहुत कुछ गलत भुगतना पड़ता है, लेकिन यहाँ चुड़ैल अच्छी थी तो सोहन का परिवार सुरक्षित रहा। Ha ha ha!
डाली थी। जादुई मछली और डायन। चैनपुरा गांव में एक मछुआरा रहता था। उसकी दो बेटियां थी, मेघा और सुमन। मेघा बहुत ही शरारती थी और सुमन बहुत ही भोली। मछुआरा रोज नदी से मछलियां पकड़ता और बाजार में बेच के जो पैसे मिलते उससे घर का खर्चा चलाता। कुछ दिन से मछुआरा तालाब पर जाता लेकिन एक भी मछली नहीं मिलती। ये सब एक हफ्ते तक चलता रहा। सुनो जी, अब कुछ और काम कर लेते हैं, पता नहीं ये सब अब और कितने दिन चलेगा। मैं खुद यही सोच रहा था। ऊपर से महेश से नए जाल के लिए जो पैसे लिए थे वो भी लौटाने हैं। कुछ ही दिनों में शायद वो आता ही होगा। कहते हैं बुरा वक्त जब आता है तो सब तरफ से आता है। मछुआरे का ऐसा बोलना ही था कि दरवाजे से किसी के खटखटाने की आवाज आती है। मछुआरिन, तुम्हारे पति से कुछ काम था। जी आप कल आना, वो जरूरी काम से बाहर गए हैं। कह रहे हैं कि किसी के पैसे लेने हैं, शायद वही लेने गए होंगे। हाँ, पैसे से याद आया कि उसने मुझे भी कुछ पैसे देने का वायदा किया था, शायद वही लेने गए हों। ठीक है, मैं कल आता हूँ। पता नहीं किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है। समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। ये सब मछुआरे की दोनों बेटियां देख रही होती है। वो अपनी माँ से अपने पिता का हाथ बटाने के लिए कहती है। नहीं नहीं बेटा, हम दोनों है ना, तुम अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। अगर तुम पढ़ लिख गई तो ऐसे दिन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। लेकिन दोनों बेटियां नहीं मानती। हम एक काम करते हैं, हम दोनों एक एक कर रात को पिताजी का जाल ले जाकर मछलियां पकड़ा करेंगी। जो मछलियां मिलेंगी उनको घर के आंगन में बने तालाब में रख दिया करेंगे और कुछ दिनों में सब माता पिता को बता देंगे। ठीक है, लेकिन मुझे रात में डर लगता है। डर? वो किस चीज से? भूत। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब डरावने किस्से हैं। चल सो जा, रात में उठना है। आज रात मैं उठूंगी, कल तू जाना। ठीक है। रात होते ही मेघा पिता का जाल लेकर नदी किनारे पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद वो कुछ मछलियों को पकड़कर घर के आंगन में बने हुए तालाब में डाल देती है। कुछ मिला? हाँ, मछलियां तो मिली, लेकिन एक दो दिन तक और काम करना पड़ेगा, फिर पिताजी को सब बता देंगे। अगली रात सुमन भी वैसा ही करती है। वो जैसे ही जाल निकालती है तो अचानक एक चमकती हुई मछली उसके जाल से छूटकर पानी में वापस चली जाती है। वो डर के मारे घर जाती है और ये सब अपनी बहन मेघा को बताती है। कहीं ये वही जादुई मछली तो नहीं जिसके बारे में दादी बताया करती थी? हाँ हो सकता है, लेकिन अगर वो कोई भूत हुआ तो? चुप कर, कल देखती हूँ मैं इस भूत को। अगली रात वो जैसे ही जाल डालती है वही चमकती हुई चीज उसके जाल में फंस जाती है। मेघा उसको जब पकड़ती है तो वो एक सुनहरे रंग की मछली होती है जिसका पूरा शरीर सोने के समान चमकदार होता है। मुझे छोड़ दो नेक दिल लड़की, मुझे मालूम है तुम अपने पिता की सहायता करना चाहती हो, इसीलिए तुम दोनों बहनें रात में आकर जाल लगाती हो। तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगी, बस तुम मुझे छोड़ दो। मेघा मछली को छोड़ देती है और मछली घर के आंगन का तालाब मछलियों से भर देती है। अगले दिन मेघा और सुमन अपने माता पिता को सब बताते हैं और उसके पिता आंगन में रखी सारी मछलियों को बाजार में बेच देते हैं और महेश को पैसे ब्याज समेत लौटा देते हैं। अगले दिन जब दोनों बहनें उस मछली का धन्यवाद करने वहां जाती हैं तो मछली रोते हुए बताती है कि ये सब जो हो रहा है उसका जिम्मेदार उस पहाड़ी पर बैठे डायन है। डायन? हाँ डायन, वो इस गांव की हवा में जहर मिला रही है जिसके चलते कोई भी आदमी अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाता, और ऐसा चलता रहा तो एक दिन ये गांव खाली हो जाएगा और ये डायन इस पूरे गांव पर अपना कब्जा कर लेगी। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ये भी खत्म कर दूंगी। उसी रात मेघा उस पहाड़ी पर रहने वाली डायन की गुफा में जाती है। जिस दिन से ये गांव खाली हुआ उस दिन से मेरी शक्तियां और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी।
फिक्र मत करो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। मैं कल सुबह ही तुम्हें सरपंच के सामने ले जाऊंगी। सरपंच? सरपंच के सामने? ऐसा कहते ही वो डायन मेघा को अपनी जादू की छड़ी से पत्थर में बदल देती है और ऐसा करके वो जोर जोर से हंसने लगती है। ये मुंह और मसूर की दाल मुझे पकड़ने आई थी। ये सब बोलते ही अचानक एक तेज रोशनी आती है और उस डायन को पत्थर में बदल देती है और मेघा को फिर से इंसान के रूप में। जैसे ही मेघा इंसानी रूप में आती है, वो अपनी बहन सुमन के हाथों में जादुई छड़ी देखती है। बहन, तुमने ये कैसे किया और तुम यहाँ कैसे? दीदी, आपने ही तो कहा था कि भूत-वूत कुछ नहीं होता, इसलिए मैं भी थोड़ी देर आपके पीछे पीछे आ गई। मेघा और सुमन उस पूरी जगह को जला देते हैं और जादू की छड़ी उस मछली को दे देते हैं। तुम इस छड़ी को संभाल कर रखना, जरूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखा, ताकत अगर ठीक ढंग से इस्तेमाल की जाए तो वो सदा के लिए आपके पास ही रहती है। अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जैसे ही गुन्नू चिड़िया के पास गई तो देखा कि घोंसला खाली था और अंडे गायब थे। चिड़िया ने रोते हुए सारी बात बताई। दीदी, आप स्कूल गए थे तो पीछे से एक सांप आया था, वो मेरे सारे अंडे खा गया। ये सब सुनकर गुन्नू उदास हो गई और दादाजी को सारी बात बताई। उस रात गुन्नू को नींद नहीं आई, ना उस बेचारी चिड़िया को।